हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर एक रियल टाइम थर्मल इमेजिंग कैमरा है जो 8 से 10.5 माइक्रोमीटर के स्पेक्ट्रल रीजन में ऑपरेट करता है। ये कैमरा घने अंधेरे और खराब विजिबिलिटी की कंडीशन में भी अच्छी ऑब्जर्वेशन देता है। इसका वेट केवल 3.9 केजी है और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर के हिस्सों पुर्जों से वाकफियत, सिस्टम डिप्लॉयमेंट और सिस्टम टियर डाउन, ऑपरेट करने का तरीका। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी 8 माइक्रोमीटर से 10.5 माइक्रोमीटर। HHTI में फील्ड ऑफ व्यू के दो मोड हैं, नैरो फील्ड ऑफ व्यू और वाइड फील्ड ऑफ व्यू। फोकस रेंज 100 मीटर से इन्फिनिटी तक नैरो फील्ड ऑफ व्यू मोड में और 20 मीटर से इन्फिनिटी तक वाइड फील्ड ऑफ व्यू मोड में। HHTI का ऑपरेटिंग टाइम स्टैंडर्ड निकल MH बैटरी के साथ 2 घंटे का है। रेडी टाइम, HHTI को ऑफ मोड से रेडी होने में तकरीबन 8 मिनट का टाइम लगता है। स्टैंडबाय मोड से रेडी मोड में आने में 45 सेकंड का टाइम लगता है। पावर सोर्स, HHTI को पावर देने के लिए 3 अलग सोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, रिचार्जेबल पावर पैक, डिस्पोजेबल पावर पैक या एक्सटर्नल AC-DC अडैप्टर। स्टोरेज टेम्परेचर -35 डिग्री सेंटीग्रेड से +70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड से +55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। टियर डाउन, ऑपरेट करने का हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर के हिस्सों पुर्जों से वाकफियत। HHTI कंपोनेंट्स, कंट्रोल स्विचेस HHTI के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट राइट हैंडल्स HHTI को ग्रिप करने के काम आते हैं। हैंड स्ट्रैप HHTI को पकड़ने के काम आता है। आईपीस ऑपरेटर को इमेज व्यू करने के काम आता है। आईपीस रबर ऑपरेटर की आंख को इमेज व्यू करते वक्त पैडिंग देता है और आईपीस को बाहर की लाइट से बचाता है। शोल्डर स्ट्रैप HHTI को कैरी करने के काम आता है। बैटरी कवर बैटरी कंपार्टमेंट को एक सील्ड कवर देता है। लैच बैटरी कवर को सिक्योर करता है। कनेक्टर HHTI के साथ वीडियो आउटपुट
लेजर रेंज फाइंडर या स्पेसिफिक टेस्ट इक्विपमेंट को कनेक्ट करने के काम आता है। फ्रंट लेंस कवर HHTI की फ्रंट लेंस को प्रोटेक्ट करता है। फ्रंट लेंस HHTI में ऑप्टिकल इंटरफेस का काम करता है। कंट्रोल और इंडिकेटर्स ऑफ स्टैंड बाय ऑन स्विच, ये स्विच HHTI को ऑफ, स्टैंड बाय और ऑन करने के काम आता है। ब्लैक व्हाइट हॉट, इस पुश बटन से इमेज की पोलैरिटी चेंज होती है। ब्लैक हॉट पोलैरिटी में हॉट ऑब्जेक्ट्स ब्लैक दिखते हैं और व्हाइट हॉट पोलैरिटी में हॉट ऑब्जेक्ट्स व्हाइट दिखते हैं। रेटिकल ब्लैक एंड व्हाइट, इस पुश बटन से रेटिकल पैटर्न ब्लैक या व्हाइट हो जाता है। ई जूम ऑन ऑफ, रेटिकल ब्लैक एंड व्हाइट पुश बटन को 3 सेकंड तक दबाने से इलेक्ट्रॉनिक जूम एक्टिवेट हो जाता है। ये केवल नैरो फील्ड ऑफ व्यू मोड में काम करता है। रेटिकल ऑन ऑफ, इस पुश बटन से रेटिकल पैटर्न ऑन या ऑफ हो जाता है। रेंज एस्टिमेशन स्केल ऑन ऑफ, जब सिस्टम नैरो फील्ड ऑफ व्यू मोड में होता है और रेटिकल ऑन होता है, तब यदि रेटिकल ऑन ऑफ पुश बटन को दबाया जाए तो रेंज एस्टिमेशन स्केल डिस्प्ले होता है। लीवर फील्ड ऑफ व्यू को नैरो या वाइड करने के काम आता है। फोकस एडजस्टिंग नॉब, इस नॉब से फोकस रेंज को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। HHTI ट्राइपॉड डिस्क्रिप्शन, पेन हैंडल लॉकिंग स्क्रू, टिल्ट एंड पेन लॉक स्क्रू, पेन हैंडल, सेंटर कॉलम, लेग एडजस्टिंग स्क्रू, लेग लेग लॉक क्लिप, एंगुलेशन हेड लॉक क्लिप, एंगुलेशन हेड, इंटरफेस प्लेट, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर की एसेसरीज, लॉजिस्टिक कंटेनर।
एसी डीसी अडैप्टर, ट्राइपॉड, इंटरफेस प्लेट, बैटरी चार्जर, क्लीनिंग सेट, ऑपरेटिंग मैनुअल, रिचार्जेबल बैटरी, कैरिंग पैक, सिस्टम डिप्लॉयमेंट और सिस्टम टियर डाउन। सिस्टम डिप्लॉयमेंट, HHTI के लॉजिस्टिक कंटेनर को खोलो और कैरिंग पैक और ट्राइपॉड को बाहर निकालो। HHTI को कैरिंग पैक से बाहर निकालो और एक फुली चार्ज्ड बैटरी को HHTI के अंदर डाल दो। ट्राइपॉड को लो और मिशन की जरूरत के मुताबिक उसे खोल दो। यकीन करो कि एंगुलेशन हेड लॉकिंग क्लिप की पोजीशन अपनी तरफ है। एंगुलेशन हेड लॉकिंग क्लिप को अनलॉक करो और इसी पोजीशन में होल्ड करो। HHTI को लो और 45 डिग्री के एंगल पर लाकर इंटरफेस प्लेट को एंगुलेशन हेड के साथ जोड़ दो। HHTI को नीचे करो और एंगुलेशन हेड लॉकिंग क्लिप को लॉक कर दो। HHTI अब ऑपरेट करने के लिए तैयार है। सिस्टम टियर डाउन, HHTI का पावर स्विच ऑफ पर करो। लेंस को लेंस कवर से ढक दो। एंगुलेशन हेड लॉकिंग क्लिप को अनलॉक करो। HHTI को ट्राइपॉड से अलग कर दो। बैटरी को HHTI से निकाल दो। HHTI और बैटरी को वापस कैरिंग पैक में डालो। पिन हैंडल लॉकिंग स्क्रू को अनलॉक करो। पिन हैंडल को सीधा करो और लॉकिंग स्क्रू को फिर से कस दो। लेग एडजस्टिंग स्क्रूज को अनलॉक करो और लेग्स को फोल्ड करो। लेग एडजस्टिंग स्क्रूज को लॉक कर दो। ट्राइपॉड और कैरिंग पैक को लॉजिस्टिक कंटेनर के अंदर डालो और कंटेनर को बंद करो।
ऑपरेट करने का तरीका। रेटिकल डेट हॉट। जब डिटेक्टर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो डेट हॉट वार्निंग इंडिकेट होती है। लो वोल्टेज। जब बैटरी की वोल्टेज लो हो जाती है तो लो वोल्टेज की वार्निंग इंडिकेट होती है। फॉल्ट। जब HHTI में कोई नुट्स हो जाता है तो फॉल्ट की वार्निंग इंडिकेट होती है। LRF या STE, ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम लेजर रेंज फाइंडर या स्पेसिफिक टेस्ट इक्विपमेंट को कनेक्टेड है या नहीं। INIT इंडिकेट करता है कि सिस्टम इनिशियलाइजेशन मोड में है। WFOV, NFOV या EZOOM सिलेक्ट की गई फील्ड ऑफ व्यू को इंडिकेट करता है। ब्लैक हॉट, व्हाइट हॉट सिलेक्ट की गई पोलैरिटी को इंडिकेट करता है। लगाने के लिए और दूसरा रेंज स्केल गाड़ियों की दूरी का अनुमान लगाने के लिए दिए गए हैं। सिस्टम स्टार्टअप और चेकआउट। पावर स्विच को ऑन पर करो। फ्रंट लेंस कवर को उतारो। आपको कूलर मोटर की आवाज सुनाई देगी। पहले 8 मिनट तक इनिशियलाइजेशन मोड का इंडिकेटर INIT और डेड हॉट वार्निंग डिस्प्ले होंगी। इसके बाद एक थर्मल इमेज डिस्प्ले होती है और कूलर का नॉइज भी कम हो जाता है। फील्ड ऑफ व्यू हैंडल की मदद से फील्ड ऑफ व्यू को नैरो से वाइड और वाइड से नैरो करके देखो। फोकस नॉब को रोटेट करके इमेज को क्लियर करके
देखो, रेटिकल ब्लैक एंड व्हाइट पुश बटन को प्रेस करो और देखो कि रेटिकल का कलर ब्लैक से व्हाइट और व्हाइट से ब्लैक चेंज होता है। यदि HHDI वाइड फील्ड ऑफ व्यू मोड पर है तो उसको नैरो फील्ड ऑफ व्यू मोड पर करो और रेटिकल ब्लैक एंड व्हाइट पुश बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करो। ई जूम एक्टिवेट हो जाएगा। पुश बटन को फिर से प्रेस करने पर HHDI वापस नैरो फील्ड ऑफ व्यू मोड पर आ जाता है। फील्ड ऑफ व्यू को वाइड फील्ड ऑफ व्यू मोड पर करो। रेटिकल ऑन ऑफ पुश बटन को दबाने पर रेटिकल ऑफ हो जाएगा और इस बटन को फिर दबाने से रेटिकल ऑन हो जाता है। फील्ड ऑफ व्यू को नैरो फील्ड ऑफ व्यू मोड पर करो और रेटिकल ऑन ऑफ पुश बटन को प्रेस करो। रेंज एस्टिमेशन स्केल डिस्प्ले होगा। पावर स्विच को स्टैंडबाय पर करो। पिक्चर डिस्प्ले से ऑफ हो जाएगी पर कूलर की आवाज सुनाई देती रहेगी। पावर स्विच को ऑन पर करो। 45 सेकेंड के अंदर थर्मल इमेज डिस्प्ले होगी। सिस्टम ऑपरेट करने के लिए तैयार है। ऑपरेट करने के बाद सिस्टम को ऑफ करने के लिए पावर स्विच को ऑफ पोजीशन पर करो और फ्रंट लेंस कवर को लेंस पर लगा दो। ये था HHDI के बारे में पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।